बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मंगलवार को यहां के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब माँ बाप से 50,000 रुपए मांगे गए। परिवार के पास इतनी राशि नहीं थी, पैसे की जुगाड़ के लिए वो अपने गांव लौट आए। इसके बाद वो गांव में आंचल फैलाकर भीख मांगते देखे गए। लोगों के घर जाते और अपनी मजबूरी बताकर मदद की अपील करते। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। दरअसल यह रकम अस्पताल के कर्मचारी ने मांगी थी। मामला अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा तो आनंद फानंद में शव पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ। उधर गांव वालों का कहना था कि परिवार इतना गरीब है कि बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकता था। ऐसे में मोहल्ले के कुछ लोगों ने मदद की और ताजपुर थाना के आहर गांव के महेश ठाकुर का 25 साल का बेटा संजीव ठाकुर 25 मई से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की। 7 जून को उन्हें जानकारी मिली कि मोसरी घरारी थाना क्षेत्र के अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद वो मोसरी घरारी थाने पहुंचे। थाने से जानकारी दी कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। माँ बाप दौड़े दौड़े सदर अस्पताल पहुंचे। पहले तो पोस्टमार्टम करने वाले ने शव दिखाने में आनाकानी की और बाद में गुहार लगाने के बाद उसने शव दिखाया, जिसकी पहचान माँ बाप ने अपने बेटे संजीव ठाकुर के रूप में की। जब पिता ने शव की मांग की तब कर्मचारी ने 50,000 रुपए मांगे। पैसे न देने पर शव से इनकार कर दिया। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी का कहना है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।